साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान, आपको नामदान देने के साथ आपका काम बना दिया। आपकी श्रुति चेतन है अभी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जिन बंधनों से बंधे थे वो लूज होते जा रहे हैं। ये आइडियोलॉजी हम बोल रहे हैं, ठीक है। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया वो गुरु किया। भयो कबीर कबीर, भाव सागर का पार नाम बिना पावे नहीं। बिन गुरु था ना पावे कोई, खोजत खोजत जन्म बिगोई। इसलिए नाम के बाद पहली क्रिया आपके साथ ये हुई, श्रुति चेतन कर दिए। इसका क्या प्रभाव पड़ा, अभी मन समझ में आ रहा है। पहले नहीं दिख रहा था, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं दिख रहा था। मन जो चाह रहा था आपसे करा रहा था, अब नहीं करा पा रहा है। आत्मदेव चेतन है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरा पूरा। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े सौ बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक ही धक्क दरार। आपकी आत्मा चेतन हो गई, आत्मदेव पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है मन को। आत्मदेव अब मन की बात ही नहीं मान रहा है। जो एक्टिव थे अपने अंदर दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो जकड़े थे वो बंधन ढीले होते जा रहे हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। भाई कोटिन भांत करे जो कोई, नाम के बिना हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रयास क्यों ना करे। नाम बिना सब विध सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान। भाई जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। अभी आपके साथ में एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, आप चेतन हो गए। जो मन पहले किंग था, हुकूमत चला रहा था, आपका गुलाम कर दिया उसे, ठीक है। पहले मन सवार था, आप घोड़े थे, अब आप सवार हैं, मन घोड़ा, जहां भी चाहो ले जाओ। पहले ये समझ में नहीं आ रहा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रबल थे, अब ये काबू आते जा रहे हैं। और एक अध्याय आपका अंतःकरण चैतन्य आत्मा अभी आपको वो तत्व ज्ञान देता जा रहा है। जहाँ गलती जा करते हो वहाँ शब्द गुरु के शब्द प्रहरी का काम करते हैं। चैतन्य गुरु ने ये अलौकिक ताकत दी आपको। अभी यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, वस्तु अमोलक दी मैं सतगुरु। अब आपको संसार स्वप्न लगेगा, आसक्ति खत्म हो गई। जो जगत के प्रति आपकी इच्छाएं थी, स्वेच्छा निर्मित तन एक आसक्ति थी जगत के पदार्थों में, टूट गई। मजा ही नहीं आएगा दुनिया में। अभी यहाँ साहब कह रहे हैं, सतगुरु मेरा सूरमा कसके मारा बाण, अरे नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण। ये चीज गुरु देगा, ठीक है। यह है नाम सुरक्षित कर देगा आपको, पक्का हमेशा लगेगा
एक शेडो के अंदर है अभी आप, कमांड चेयर पर अब ऊपर अष्टम चक्र में जो सदगुरु एक्टिवेट हो गया, जहां आप त्रुटि होती है वो ताकत दे देता है। आप भरोसा रखना कि अब आपके साथ एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। भरोसा क्या रखना, आपको दिख ही रहा है। कई ओकेजन पर ऐसा हुआ होगा जहां आप चुके होंगे वो ताकत आकर काम किया होगा। ठीक है, ये काम साहब ने कह रहे हैं ये सदगुरु काम कर देगा। ठीक है, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। आपके लिए परहेज क्या बोली वो सुनना। परहेज एक बोली, परहेज करना, बाकी नहीं उलझना कहीं। ठीक है, आपकी भक्ति दुनिया खराब करना चाहेगी। आज भक्ति क्षेत्र में टोना टोटका, जादू जड़ी, जंतर मंतर, अब ये चीज़ें नहीं आई। हमेशा वो ताकत आपके साथ काम करे। ठीक, ये चीज़ देते हैं गुरु। अब हर चीज़ में अंतर आ जाएगा। पहले इंद्रियां जहाँ भाग रही थी, बेनकाब थी, पूरी हुकूमत मन की थी, आत्मा का पता ही नहीं था। आत्मदेव अभी चैतन्य है। सच ये है कि आपको आत्मनिष्ठ कर दिया गुरु ने, आत्म रूप लिखा। ये जो इन सबसे फाइट कर रहा है ये आत्मदेव है। अब वो अति सूक्ष्म है, तभी साहेब वाणी में एक बात कह रहे हैं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया वो साहेब किया, भयो कबीर कबीर। एक बार एक मास्टर जी एक शहर में गया, जब वहां गया तो एक हीरे जवाहरात की दुकान से एक आदमी उतर के आया, मास्टर जी के पैर पड़े। मास्टर जी ने कहा, भाई मैं आपको पहचाना नहीं। जौहरी उस सेठ ने कहा, महाराज अपनी दुकान में चलो। उसने कहा, भाई मेरी कौन सी दुकान है, ये तो मेरी दुकान है नहीं है। बोला, मास्टर जी आपको पता नहीं है ये आपकी दुकान है। आज से 20 साल पहले मैं जब छोटा था भीख मांग रहा, कुछ गलत काम कर रहा था, भीख मांग रहा था, आपने मुझे कहा, देख बेटे भीख भाग न मांग, गलत काम नहीं कर, ये ले 1 रुपया, इसे चने मूंगफली या कोई चीज़ बेचकर अपना काम कर। बोला, मास्टर जी मैंने उससे काम शुरू किया, धीरे धीरे पैसा आया, फिर दुकान खोली, धीरे धीरे मैं मेहनत किया, अमीर बन गया, और आज ये सोने जवाहरात की दुकान है, ये उसी 1 रुपये की है, ये आपका है। इसलिए कहते हैं सब कुछ गुरु का है। क्यों? पहले जो आपके अंदर शैतानी ताकतें काम कर रही थी वो अटपटा काम कर रही थी, अब गुरु ने जो पावर दिया उससे काम हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा, गुरुदेव सब कुछ तुम्हारा है, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर। माँ पता है क्या करती है, बच्चे को चलना सिखाती है। कैसे? उंगली पकड़ती है, सिर्फ उंगली नहीं पकड़ी, माँ ने उसे पयोधर का दूध भी पिलाकर ताकत भी दी, पर पैर बच्चे को रखना है। ठीक है, माँ ने उंगली उसका बैलेंस बनाया, इस तरह वो गुरु की ताकत आपका बैलेंस बनाती चल रही है। ठीक है, पैर आपने रखना है। एक माता एक दिन बोली, गुरुजी वो लड़की टीचर है। बोला, क्या बताऊँ, ये मेरा बंदा, मेरा लड़का साहब जी ये चलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो रेंग कर चलने का शौकीन हो गया था और बड़ी तेज चलता था। मैंने उससे एक दिन पूछा, अरे ये अभी तक रेंगता क्यों है, चल क्यों नहीं रहा है? बोला, गुरुजी इसको ये चलने का उपक्रम ही नहीं कर रहा है, जब इसके बाजू पकड़ के खड़ा करो तो टांगे ढीली छोड़ देता है। मैं बोला, ना 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 ना, इसकी टांगे कमजोर हो जाएगी, जिंदगी भर टांगे कमजोर होगी बेटे इसकी, किसी भी तरह इसको खींच के खड़ा कर, जब बैठे ना
नहीं तो ये फिर रेंगता ही रहेगा जिंदगी भर। मैं कहा इसको जबरदस्ती टांगे खींच के खड़ा किया कर, जबरदस्ती इसको थोड़ा थोड़ा चला। तो पहले वो कैसे चलना लगा, पूरी टांगे खोल कर चलता था धीरे धीरे। सुनो, अब जब चलना सीख गया फिर रेंगना ठीक, रेंग कर चलना ठीक है या चलकर चलना ठीक है? चलकर ठीक है। इसी तरह मन के अधीन चलना ठीक थोड़ी है। आत्मा के बल पर हमने आपको खड़े होकर चलना बताया, पहले आप मन के साथ रेंग कर चल रहे थे, ठीक है। इस तरह सात दीप नौखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, कबरा हर के रूढ़ते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूढ़ते प्रभु नहीं हो सहाय। आज लोगों ने कबीर साहब के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं, ठीक है। साहब ने कहा ना, बिन अक्षर करे गुरुआई पीढ़ी सहित नरक में जाई। ये उपार्जन के लिए नहीं हो। जब हम गुरुआ लोगों को देख रहे हैं, ना तो वो बाहरी कसौटी पर खड़े हैं ना आंतरिक। अरे बाहरी कसौटी यह है कि वो ब्रह्मचारी हो, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो। मन के दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में इंद्रियां, शरीर मन है, उसको चेक करो, आंखों पर कितना नियंत्रण है, जीभ पर कितना नियंत्रण है, कानों पर कितना नियंत्रण है, और अंदर में देखो मन बुद्धि चित्त अहंकार पर कितना नियंत्रण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर कितना नियंत्रण है, त्याग कितना है ही नहीं कुछ। बस वो बात है, पेट के कारण करे गुरुआई पीढ़ी सहित नरक में जाई। ये दुनिया पेट के लिए अभी सिर्फ दौड़ रही है, ठीक है। इसलिए गुरु पूरे की बड़ी बड़ी आई, नानक पार उतारा जियो, पानी पीजे छान के गुरु कीजिए जान के, सब धरती कागज करूं लेखन सब बनाए, सात समुद्र की मस करूं, कबीर गुण लिखा न जाए। कबीर गुण नहीं बोला साहब ने, गुरु गुण बोला साहब ने, गुरु गुण बोला। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं गुरु सुमरे सो पार। भाई हम साहब की वाणी से अलग जा ही नहीं रहे, पर साहब की थीम तो यही कह रही है ना। इसलिए गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्म ना साहिब सद्गुरु एक। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। ये इंसान आत्मज्ञान के बिना भटक रहा है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये मनुष्य इस शरीर में रहकर अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहा है, आत्मा कहीं बाहर नहीं गई है। हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर ही है, शरीर में रहकर भी आत्मा अनजानी अनभिज्ञ है। हम सब धन की महत्ता अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम सब धन की प्राप्ति के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। आप देखें इस गर्मी में भी आदमी कहीं रास्ते पर डांबर बिछा रहा है, कहीं खेती बाड़ी कर रहा है, लेबर मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शावान रिक्शा चला रहे हैं। इस भीषण गर्मी में सभी काम इंसान कर रहा है, ये सब काम धन की प्राप्ति के लिए। हम सब ये ठीक से जान चुके हैं धन की महत्ता। आदमी अपनी आत्मा के लिए इतना सहिष्णु नहीं, आत्मा को जानने का इतना प्रयास नहीं कर रहा है। आत्मा को जानना जरूरी है, बहुत जरूरी। आइए देखें आत्म तत्व का महात्म। शास्त्रकारों ने आत्मा का वर्णन किया, ये अजन्मा नित्य अपरिवर्तनशील,
किसी भी देश काल अवस्था स्थिति में आत्मा का कभी भी नाश नहीं, शस्त्र इसे नहीं काट सकते, अग्नि इसे नहीं जला सकती, वायु इसे शोषित नहीं कर सकता है, जल इसे गला नहीं सकता। आत्मा पंचभौतिक तत्वों से नितांत परे, परिपूर्ण है, अपने में ओतप्रोत, बड़ी खूबी है इस आत्मा की, अनाश्रित, स्वालंबी आदि संज्ञाओं से आत्मा का उल्लेख किया गया है। कभी भी किसी भी देश काल अवस्था स्थिति दशा में इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं, ये नित्य। और चारों अवस्थाओं से परे ऐसी इस आत्मा की व्याख्या शास्त्रकारों ने की, जिसे जानने के बाद बाकी कुछ जानने योग्य नहीं, जिसे पाने के बाद बाकी कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके ज्ञान होने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ऐसा उल्लेख इस आत्म तत्व का शास्त्रकारों ने किया। ना उपजे ना विंसे कभों ज्यों की त्यों कर जाना, इसे प्राप्त करने के बाद कोई उद्यम कोई प्रक्रिया बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर आत्मा नहीं दिख रही है, आत्मा का पता नहीं चल रहा है, प्रथमया पहली दृष्टि से ही पता चल रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आत्मबोध की तरफ नहीं ले जाने नहीं दे रही है। मूल रूप से आत्मा की पांच वृत्तियां शास्त्रों में वर्णित है। पहला, ये अमर है, आत्मा अमर है, अविनाशी। दूसरा, चैतन्य है। तीसरा, अमल, जिसमें कोई गंदगी नहीं। चौथा, सहज। पांचवा, आनंदमयी। भाई, आत्मा की व्याख्या बड़ी शानदार तरीके से की गई है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में सुनो तात यकत कहानी की चौपाइयों के माध्यम से कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला गुण का अविनाशी, दूसरा कह रहे चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है और अमल है, सहज है और आनंदमयी है। देखा, इस आत्मा की पांच चीज़ें बड़ी निराली गई। आप बड़ी निराली चीज़ है, आप मामूली चीज़ नहीं है, ये सब लोग सुन रहे हैं लेकिन इस पर चिंतन कोई नहीं कर रहा है। बड़े बड़े विद्वानों से आचार्यों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आत्मा अमर क्यों है, उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता। अमरत्व को जानने के लिए हमें पहले विनाश को समझना होगा। देखिए, प्रकाश का महत्तम अंधकार ही इंगित करता है। अगर अंधकार नहीं होता तो हम प्रकाश के अस्तित्व को ठीक से नहीं समझते, पर जब हम अंधकार में पहुंच जाते कुछ नहीं दिखाई देता है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता अनुभव होती है कि रोशनी विजिबल है। इस तरह हमें अमरत्व से पहले नाश को समझना होगा। आत्मा अमर क्यों है, इस आत्मा की पांच विशेष प्रतियां बोली गई, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, आनंदमयी।
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, 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 मेरा साहिब। ये सातवां की पांच विशेष प्रतियां बोली गई, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, आनंदमयी। आज इन्हीं पांचों पर बातचीत करेंगे। पहली बात, अमरत्व को जानने के लिए नाश की तरफ जाना होगा। विनाश क्या है? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। विनाश किसे कहते हैं? किसी कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉयड हो जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए, उसे विनाश कहते हैं। विनाश क्यों होता है? विनाश का आधार क्या है? विनाश की पृष्ठभूमि क्या है? तत्व। एक दिन ये बिल्डिंग नष्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती है। ये बिल्डिंग नष्ट क्यों होगी? तत्व इसका नाश कर देंगे। ये RCC है, रॉड सीमेंट कंक्रीट है, इसमें साथ में पानी भी है। एक टाइम आएगा कि अग्नि तत्व इसके पानी को शोषित कर लेगा, ये खंडहर हो जाएगी और धराशायी हो जाएगी, जमी दोज हो जाएगी। इसकी यह वजह रही, इस नाश किसने किया? अग्नि तत्व ने। सीधी बात है कि तत्व नाशवान है, तत्व ही नाश करते हैं। दुनिया भी मिटेगी, महाप्रलय का वृतांत ऋग्वेद आदि में भी है। कैसे ये दुनिया मिटेगी? पृथ्वी को जल अपने में समा देगा, क्योंकि जल में घुलनशीलता है, वो घोल देगा पूरी धरती। और हमारा ये पूरा पृथ्वी लोक अपनी दिशा भटककर सूर्य के इतने नज़दीक पहुँचेगा कि हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। जितना भी पानी है सब हीट से अब्सॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखा, जल को अग्नि ने खत्म कर दिया। प्रमाण, एक कढ़ाई में एक लीटर पानी डालो, 15-20 मिनट में उबल करके खत्म हो जाएगा। वायु बन गई, वायु अग्नि तत्व को खत्म कर देगी। प्रमाण, दिया जल रहा है, फूंक मारते हैं, बुझ जाता है। वायु में अग्नि को नष्ट करने की शक्ति है। आकाश फिर वायु को विलोम कर देगा। देखा, कुछ भी बाकी नहीं बचा। सब कुछ नष्ट हो गया। इसका मतलब है नाश भी तत्व करते हैं। इसलिए आत्मा में तत्व नहीं है। तत्व नहीं होने के कारण से आत्मा का नाश नहीं होता। जिस भी चीज में तत्व है वो नाश हो जाएगा। यही तो साहब की थ्योरी और आइडियोलॉजी सबसे अलग है ना। ब्रह्मादि लोक, देवलोक, सिद्धलोक, पितृलोक आदि में आकाश तत्व है। इसलिए जहाँ भी तत्व है वहाँ नाश है, वो नितत्व है। समरलोक में भी तत्व नहीं है। आत्मा में तत्व नहीं है, इसलिए आत्मा अविनाशी है। वैज्ञानिक इसका प्रमाण ये है। ये एक तत्व है पर पंचभौतिक तत्वों से परे नितत्व है।
नित्यत्व, अब यहाँ तत्व क्यों जोड़ा? जैसे टेम्परेचर अगर माइनस भी जाता है तभी भी कहते हैं -50 टेम्परेचर है, इसलिए आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा चैतन्य है। ये माइक चेतन नहीं, मसलन चेतन नहीं, ग्लास चेतन नहीं है, जड़ पदार्थ है। हम जड़ पदार्थ किनको कहते हैं? जो भी पंचभौतिक तत्वों से बने पदार्थ हैं जो अनुभूति नहीं कर पाते हैं वो जड़ है। ठीक, आत्मा चेतन है। और आत्मा अमल है, इसका मतलब है आत्मा में गंदगी नहीं है। हमें पहले गंदगी को समझना होगा। हम देखते हैं आत्मा में गंदगी क्यों नहीं है। इसलिए पहले हम देखते हैं गंदगी क्या है। आप सब तो गंदगी को जानते हैं, आपके घर के पास नालों में कई जगहों पर कचरे के ढेर हैं, वहाँ गंदगी है। गंदगी से दुर्गंध प्रफुटित होती है। गंदगी क्या चीज़ है? सुनो, आपके घर में नाली है, आपके पड़ोस में नाली है, उसमें पानी है ना, उसमें कुछ छिलके फिलके गंदगी पड़ी, कचरा पड़ा, बदबू क्यों आई? हीट अग्नि तत्व के कारण से वो उसमें जला। इसका मतलब है गंदगी भी तत्वों के कारण है, गंदगी भी तत्वों के कारण है। हमारी आत्मा में तत्व न होने के कारण से गंदगी नहीं है। भाई शरीर में भी गंदगी है, क्यों है गंदगी? हम सब इस ठिकाने में, इस आशियाने में रहते हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। इसमें गंदगी क्यों है? इंसान के मलमूत्र में गंदगी है या पूरा शरीर ही गंदगी है? छिद जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा। सवाल ये उठा इंसान के शरीर में गंदगी कहाँ से आई? मलमूत्र के द्वार से गंदगी, इतने अच्छे अच्छे पदार्थ हम सेब आम अंगूर चीकू केले संतरे अमरूद खुशबू वाली चीज़ें खाते हैं, 6-7-8 घंटे बाद सब दुर्गंध युक्त होकर के बाहर निकल आते मलमूत्र से। सिर्फ मलमूत्र के द्वार में गंदगी है क्या? नहीं, आगे भी बहुत बड़ी गंदगी है। मुंह में सुबह देखना असहनीय गंदगी आती है, नाक में थोड़ा जुकाम हो जाए कितनी गंदगी निकल रही है, आँखों में कीच है, कानों से खूंट निकलती है। 5 लाख लोगों को दीक्षा दी है, कान के पास जाना पड़ता है, मुझे कान की बदबू का एहसास है, आपको कम होगा। कुछ लोग कान साफ ही नहीं करते हैं, बड़ा अटपटा होता है कान, इसमें कचरा होता है। रोम रोम में गंदगी है। आपको ये गंदगी नहीं समझ में आ रही है, क्यों है? तत्वों के कारण आपके रोम रोम में गंदगी है। रोज नहाते हैं, रोम रोम से पसीना निकल रहा है, वो भी गंदगी है। पसीने में बदबू क्यों है? मैंने ऐसे याद किया, कई स्नायु मंडल कई सेल टूट गए, हीट से अब्जर्ड होते हैं, जब हम मेहनत करते हैं पसीने के रूप में कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं। अभी मैं 18 तारीख को सोलन में सत्संग कर रहा था, जैसे आप लोगों ने जूते उतारे हैं एक कुत्ता आया, ऐसे ही एक टेरिस था, वहाँ मैं सत्संग कर रहा था मंदिर के प्रांगण में, एक कुत्ता आया एक जूता उठा के ले जा रहा था। मुझे विचार आया ये जूता उठा के ले जाएगा, जिसका जूता है वो बेचारा तंग हो जाएगा। मैंने एक आदमी को कहा वो कुत्ता जूता उठा ले जा रहा है, उससे जूता छुड़ाओ। अच्छा, उसने कुत्ते से जूता छुड़ाया, जूता वहीं छोड़ दिया, कुत्ता चला गया। आदमी जब इधर आया कुत्ता 1 मिनट बाद फिर आया, वो फिर उसी जूते को उठा रहा था।
तब एक और आदमी को मैंने कहा भाई इसको भगाओ, और फिर एक आदमी मैंने खड़ा किया, सवाल उठा वो कुत्ता जूता क्यों उठा रहा था, प्लास्टिक का जूता था, क्या कुत्ता प्लास्टिक खाता है क्या? हाँ प्लास्टिक तो नहीं खाता है, क्यों उठा रहा था? उस जूते में, उस आदमी के पैर में पसीना था, बहुत जूते पड़े थे, वो दोबारा भी उसी को उठाया, वो बाकी जूते को नहीं उठा रहा था, कुत्ते का निशाना वही जूता था, उसको सुगंध आई क्योंकि पसीना उस आदमी के पैर से ज़्यादा आ रहा था। हमारे पसीने में मांस वाली बदबू है, कुत्ते की सिंगन शक्ति ज़्यादा है, देखा वो मांसाहारी है, इसलिए सोचा ये पूरा ही मांस है, इसको खा लूँगा, वो इस गफलत में था। आप देखते हैं दूर कहीं कुत्ता ऊपर की तरफ मुँह करके यूं यूं करते हैं, और उसको ये आइडिया हो जाता है कहाँ भोजन बना है कहाँ क्या, उसी दिशा की तरफ मूवमेंट करता है, फिर इनकी सिंगरण शक्ति इतनी तेज है। देखा हमारे रोम रोम में गंदगी है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाए मलमूत्र के रूप में, क्या शरीर के रोम रोम से गंदगी निकल रही है? इस शरीर को इसलिए अधम कहा, छिद जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा, ये तत्वों के कारण से आई, ये गंदगी तत्वों के कारण से आई, आत्मा में तत्व नहीं है, पंच भौतिक तत्व से परे है, इसलिए उसके अंदर गंदगी नहीं है, साइंटिफिक एक कॉज है। आत्मा सहज है, हम लोग सहज किसको कहते हैं भाई, जो छल नहीं करे, कपट नहीं करे, दगा नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, 420 नहीं करे, हम उसको सहज बोलते हैं। गांव में भी कुछ लोग होते हैं, या तो भोला कहते हैं या तो सहज कहते हैं। आत्मा में छल कपट दगा धोखा बेईमानी 420 ये नहीं है, राग द्वेष ईर्षा ग्लानि ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये तो मन की वृत्ति है, मन से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उत्पत्ति होती है, इसलिए जो चालाकी कर रहा है लोभ आया, जो अहंकार कर रहे हैं दम्भता आई। आत्मा में ये नहीं है, नितांत नहीं है, अभाव है, बिल्कुल नहीं है, है ही नहीं है, उसमें नहीं मिल सकती। इसलिए आत्मा सहज है। चौथा आनंदमयी है, पांचवा आत्मा है आनंदमयी। आत्मा आनंदमयी क्यों है? आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। हम देखते हैं आनंद कितने हैं। आनंद दो हैं, पहला है विषयानंद, दूसरा है आत्मानंद। सवाल उठा ये विषयानंद क्या है, आत्मानंद की तरफ तो बाद में चलते हैं, पहले देखते हैं विषयानंद क्या है। शब्द गंध स्पर्श रूप और रस, इनको विषय क्यों कहते हैं? आपने देखा ना वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें इनाम बढ़ता जाता है ना, विषय किसको कहते हैं? सब्जेक्ट। विषय क्या है? सब्जेक्ट। ये विषय आनंद इसलिए कहते हैं, आंख को आनंद मिलेगा पर इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? दृश्य। ठीक है, कोई नैनीताल घूमने जा रहा है, कोई कश्मीर घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कुल्लू मनाली घूमने जा रहा है, कोई हिल स्टेशन जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या रखा है वहाँ, कोई कश्मीर जा रहा है, क्यों जा रहा है, सुंदर सुंदर पहाड़, ये आंखों ने ही तो देखा ना, यही माया है, इनको ठीक लगा ना, तो आंख का विषय क्या हुआ? दृश्य। और कान का, कान को आनंद मिलता है किससे? शब्द से। आपकी कोई तारीफ कहे करे तो खुश हो जाते हो ना, और अच्छा म्यूजिक सुना तो झूमने लगते हो ना। कान का विषय है शब्द, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांच ये क्या है? पांच विषय हैं। विषय क्यों है? ये कंसर्न इंद्रियों से जुड़े हुए हैं,
और नासका का सब्जेक्ट विषय खुशबू, जहां थोड़ी खुशबू आई आपका दिल करता है ना वहीं जाएं, जहां बदबू है आप वहां से भग जाते हैं। अगर ले विषय केवल सेक्स को थोड़ी कहते हैं, संसार का भौतिक शरीर से जो भी आनंद प्राप्त होने वाला है वो विषय है। दुनिया में इंसान जिंदा है तो इन्हीं पांच चीजों के आनंद के लिए जिंदा है, ठीक है। स्पर्श एक आनंद देता है, आप किसी सुंदर को देखकर या बच्चे को देखकर प्यार करने लगते, क्यों किया? आप उसे हाथ घुमाए, चूमे या आलिंगन किया, क्यों किया? ये स्किन की डिमांड है, ठीक है, ये स्किन की डिमांड थी, क्योंकि स्पर्श इसका विषय है। इसलिए शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये सब्जेक्ट हैं पांच इंद्रियों के, इनके माध्यम से प्राप्त होने वाला आनंद विषय आनंद कहलाता है, ठीक है। अब मुंह को आनंद मिलेगा कब मिलेगा? जब हम कोई रसिक पदार्थ खाते हैं। दुनिया का हर इंसान अगर जिंदा है इन्हीं पांच आनंदों के लिए, ठीक है। जो खूब सज सवर करके स्मार्ट बनकर घूम रहा है वो ये सोच रहा है कोई लड़की कोई सुंदर मुझ पर आकर्षित हो। हर आदमी चाहता है बहुत अच्छा अच्छा खाऊं। जो आदमी दुनिया की मौज में है वो एक अध्यात्मवादी को बेवकूफ मानते हैं, सोचते हैं इसको कुछ नहीं पता है, पर उन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि वो सब कुछ जानता है और इनको बंधनकारी जान करके इनसे निकल रहा है, ठीक है। एक दलदल है आगे, हम उसमें फंस जाएंगे। जो दलदल में घुसता जा रहा है वो अकलमंद है, या दलदल से जो किनारा करके साइड जा रहा है वो अकलमंद है? बस काजर केरी कोठरी कबरा ये संसार बलहारी वा पुरुष की जो पैट निकल गया पार। हर आदमी इन पंच भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में है और यही सुख है, भौतिक सुख। इसलिए इसे कहा विषयानंद। दुनिया इसी में रमी हुई है। इस पर साहेब एक शब्द कह रहे, पांच सखी पीहूं पीहूं करत हैं, जैसे कोयल बोल रही है। ये क्यों बोल रही है? ये इनका अभी रसला आने का मौसम है, नर को आहुत कर रही है। पशु इस तरह गाय भी एक आवाज निकलती है, ये वो आवाज है इसकी। सुनिए, मोर नाचने से पहले एक आवाज निकालता है, मोरनियां जान जाती हैं कि अब ये नाचेगा, उससे पहले वो बटर जाती हैं। ये पूरे सिस्टम दुनिया में करीब करीब एक जैसे। सुनिए भाइयों, केवल इन पांच इंद्रियों का आनंद प्राप्त करने के लिए दुनिया लगी है। अच्छे अच्छे सोफे अच्छा अच्छा मकान हम क्यों चाह रहे हैं? इसी स्किन के लिए कि एयर कंडीशन में रहें, थोड़ा मजा मिले। किसको मजा मिला? स्किन को, स्किन को आनंद मिला। इंसान जो कुछ भी दुनिया में कर रहा है भौतिक सुखों के लिए, इनके द्वारा प्राप्त होने वाले भौतिक सुख कहलाते हैं। ये शत्रु क्यों है? इसलिए कि इन सुखों में उलझ कर हम मूल आत्मानंद की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। Oh
मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब मोर नाचने से पहले एक आवाज़ निकालता है, मोरनियाँ जान जाती हैं कि अब ये नाचेगा, उससे पहले वो बटर जाती हैं। ये पूरे सिस्टम दुनिया में करीब करीब एक जैसे, केवल इन पांच इंद्रियों का आनंद प्राप्त करने के लिए दुनिया लगी है। अच्छे अच्छे सोफे, अच्छा अच्छा मकान हम क्यों चाह रहे हैं? इसी स्किन के लिए कि एयर कंडीशन में रहें, थोड़ा मज़ा मिले। किसको मज़ा मिला? स्किन को, स्किन को आनंद मिल रहा है। इंसान जो कुछ भी दुनिया में कर रहा है भौतिक सुखों के लिए, इनके द्वारा प्राप्त होने वाले भौतिक सुख कहलाते हैं। ये शत्रु क्यों है? इसलिए कि इन सुखों में उलझकर हम मूल आत्मानंद की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम सब इन सुखों में उलझे हैं, इन्हीं में हम आनंद तलाश कर रहे हैं। यथार्थ आनंद हमारे अंदर समाहित है, हम उसको नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम इसमें उलझ गए। जैसे बच्चा रोता है, दूध पीना चाहता है, माँ उस समय से दूध नहीं पिलाना चाहती है, झुनझुना पकड़ा देती है, गेंद पकड़ा देती है, उसमें खेलता है, वो इतनी देर भूल जाता है, खेलता तो है थोड़ी देर, फिर वो रोने लगता है, तो फिर माँ उससे अच्छा खिलौना कोई और देकर उसको उलझा देती है। इसी तरह भौतिक सुखों में यह आत्मा उलझ गई। हम सब भौतिक सुख किससे चाह रहे? शरीर से ही तो। इंद्रियां तो उसका एक उपकरण है। ये भौतिक आनंद किसको मिलते हैं? आत्मा को। अब हम देखें, जो अच्छा खाया इसकी अनुभूति कौन किया? ब्रेन ही तो किया, मस्तिष्क, ये मन का एक अंग है। आपने अच्छा पदार्थ खाया, कहते आहा मजा आ गया। मजा किसको आया? जीभ तो एक तंत्र है, एक सूत्र है। मजा अनुभूति जीभ में तो अनुभूति है ही नहीं। आपकी उंगली में चोट लगी, आप कहते बहुत दर्द है, इसमें दर्द को अनुभव करने की स्थिति नहीं है, ये तो ब्रेन अनुभव कर रहा है। हमारा दिमाग इंद्रियों से बहुत प्यार करता है, इंद्रियां दिमाग से बहुत प्यार करती है, ये एक दूसरे में ओतप्रोत है। क्यों? इसकी सहचरणी है, इसका पूरा काम करती है। आंखें देखो मन का कितना काम कर रही है, मुंह देखो मन का कितना काम करता है। मन अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मुंह का सहारा ले रहा है, हालांकि इन सब का संचालन मन ही कर रहा है। इसलिए इंद्रियां मन, मन माया तो एक है, ये अपने में समाहित है, इन्होंने आत्मा को जकड़ा। कभी भी आदमी ये नहीं सोच रहा है, आदमी ये बात सोचने की कंडीशन में नहीं है। कहे कबीर, किसे समझाऊं सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा, एक दो होए ताहे समझाऊं सबे ही भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर, किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। जो फाइव स्टार होटल में जा रहे हैं, कह रहे हैं आहा बहुत, कहते बहुत बड़ा आदमी है। क्या बहुत बड़ा आदमी है? क्या खा क्या है? अभी जब मैं आया तो मैं कहने वाला था, एक समोसा 2-3 रुपये का, 5 रुपये का मिलता है, और एयरपोर्ट पर वही 50 रुपये का है, उसमें कोई अमृत तो डाला नहीं है। एक चाय जो आप पी रहे हैं वो वहाँ पर 60-70 रुपये की चाय है, फिजूल खर्ची है। तो बंधुओं, भौतिक सुखों में उलझ गए, ये है विषयानंद।
जो इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला आनंद है इसको विषय आनंद कहते हैं, और ये क्षणिक है और पीड़ादायक है। पूरी दुनिया इसके लिए दौड़ रही है, बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हैं ये विषय आनंद, स्किन को आनंद देने के लिए एयर कंडीशन रूम बना रहे हैं विषय आनंद, अच्छा अच्छा डाइट मिल जाए, ये सब जीभ और इन सब चीज़ों को प्राप्त होने वाला आनंद है। रमणीक जगह पर मेरा घर हो, आंखें देखती हैं, हाँ ये सुंदर व्यू दिख रहा है, इसको कहते हैं दृश्य ब्रह्म दृश्य जगत। आत्मा आनंदमयी क्यों है? जैसे आग की नेचर है ऊष्मा, उसमें अगर चंदन की लकड़ी भी डालेंगे तो वो तभी भी वो, जबकि चंदन की लकड़ी शीतल है, अग्नि का संसर्ग पा करके वो गर्म हो जाएगी, वो अग्नि वो भी ऊष्मा देगी। जल की प्रवृत्ति और नेचर शीतलता है, अभी उबाल कर रखो 15 मिनट बाद फिर ठंडा हो जाएगा। इस तरह आत्मा की वृत्ति आनंद है। क्यों आनंद है? आत्मा आनंदमयी क्यों है? आनंद को समझने के लिए हमें दुख की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे प्रकाश को समझने के लिए अंधकार में झांकना है, क्योंकि अंधेरे में जब हमें कुछ नहीं दिखता है तो प्रकाश की अनुभूति होती है कि प्रकाश दृश्य का बोध देता है, हम तब प्रकाश का महत्व जानते हैं। अंधकार ने ही तो प्रकाश का महत्व जनाया, इसलिए हमें जानना होगा आत्मा में आनंद क्यों है। आत्मा में आनंद क्यों है ये जानने से पहले दुखों को जानना पड़ेगा। जब हम दुखों को समझेंगे तो आत्मा आनंद का पता चलेगा। दुख ये है, कई तीन तरह के, दैविक दैहिक भौतिक, तीन दुख हैं। कभी आपका सब कुछ ठीक है, कोई समस्या आ गई आप दुखी हो जाते हैं, तंदुरुस्ती खराब हो गई आप दुखी हो जाते हैं, आर्थिक क्षति हो गई आप दुखी हो जाते हैं, कुछ गुम हो गया हम दुखी हो जाते हैं, कुछ घट गया हम दुखी हो जाते हैं, परिवार का कोई आदमी चला गया हम दुखी हो जाते हैं। दुख अभाव है, दुख किसी वस्तु का खोना है, दुख एक डैमेज है। आत्मा का कुछ डैमेज नहीं होता है, इसलिए उसमें दुख नहीं है, उसका कुछ भी कम नहीं होता है, नित्य है, ज्यों की त्यों है, उसमें कुछ भी समाविष्ट नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ भी निकाला नहीं जा सकता। और परमात्मा का अंश होने के कारण से वो भी आनंद में है, वो आनंद में है। आग में ऊष्मा क्यों है? जल में शीतलता क्यों है? वायु में स्पंदन क्यों है? आग में ऊष्मा इसलिए है कि जब अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड भस्म करती है, और वो जो अधिक मात्रा में उठी पूरे इर्द गिर्द भी ऑक्सीजन की जो ठंडक है उसको समाप्त करती है, इसलिए आग की नेचर ऊष्मा है। जल शीतल क्यों है? क्योंकि एक माफिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है तब जल रहेगा, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो भी नहीं रहेगा, लो हुआ तब भी वो बर्फ बन जाएगा। धरती पर जीवन इसी सिद्धांत से तो है, जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं जीवन कहीं भी नहीं है, धरती पर जीवन है। वैज्ञानिक लोग ग्रहों पर जल को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जहां जल है वहां जीवन होगा, जहां जल है वहां जीवन क्यों होगा? आप यह मत सोचना कि पीने के लिए नहीं। देखिए कुछ ऐसे ग्रह हैं जो धधकते शोले की तरह हैं, कुछ ऐसे हैं जहां वो पानी की तलाश कर रहे हैं। पानी एक माकूल टेम्परेचर के अंदर होगा, ठीक है, जहाँ ओवर टेम्परेचर होगा वहाँ पानी होगा ही नहीं, वाष्पीकृत हो जाएगा। ओवर 50 अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट आ जाती है। बाकी ग्रहों पर टेम्परेचर अधिक है, पृथ्वी तो वहाँ भी है लेकिन पानी नहीं है, इसलिए जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। जल केवल पीने के काम थोड़ी आ रहा है, जो कुछ आप खा रहे हैं वो जल ही के द्वारा तो है। अगर पृथ्वी में नमी नहीं होगी तो अंकुर प्रफुटित होगा ही नहीं, कोई भी चीज़ नहीं बन पाएगी। इसलिए केवल माकूल तापमान जितने भी ग्रह हैं उनमें से केवल धरती को मिल रहा है, इसलिए एक निर्धारित तापमान में ही पानी रहेगा। अगर पानी 50 डिग्री टेम्परेचर से ओवर हो गया अपना टेम्परेचर तो पानी नहीं रहेगा, इसलिए धरती पर
50 से बिलो टेम्परेचर है, बाकी ग्रहों पर ओवर है। आप सोचें अगर यहाँ पर टेम्परेचर माइनस 200 हो जाए तो आप जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, पूरा जो ब्लड है वो तो सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो पानी है, पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ये धरती ऐसे क्षेत्रज पर है सूरज के जहाँ पर इसको पानी को जीवित रहने का एक माकूल एटमोसफियर मिल रहा है, इससे फिर वनस्पतियाँ बन रही है। बाकी ग्रहों पर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर माकूल टेम्परेचर नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए धरती पर जीवन है। इस तरह आत्मा का ऐसा अस्तित्व है, आनंद ही आनंद है वहाँ, क्योंकि वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार का नितांत अभाव है। इन्हीं से फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर इसी से राग द्वेष ईर्ष्या ग्लानि आदि ये उत्पन्न होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, थोड़ा किसी के पास ज़्यादा हुआ हम ईर्ष्या करने लगते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। यकरूप सभी है, न खुदावंद है न बंदा, उस मंजिले नज़दीक नहीं काल का फंदा। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, मरहम ही होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके बिन सूरज उजियारा है, क्या वहाँ बिजली चमक रही है? अलंकार दे रहे हैं कि यहाँ बिजली तो भाई बादलों के द्वारा ही चमक रही है, वहाँ पर सभी अलौकिक करणीय है, वहाँ जो कुछ भी है सब अद्भुत है। वो देश भी इसलिए अमर है कि वहाँ तत्व नहीं है, तत्व ही तो विनाश कर देते हैं। ग्रेट डिसोल्यूशन महाप्रलय आदि तत्वों के कारण आती है, इसलिए आत्मा में और उस देश में ये सब चीज़ें नहीं है। जहवा से हंस आया अमर हैं वो लोकवा, पानी नहीं पवना नहीं धरती और आकाशवा, शेख नहीं सैयद नहीं मुगल और पठनवा, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वेश और शूद्रवा। साहब तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने आपाधापी की बातें थोड़ी बोली है, उस पर हम लोग चिंतन नहीं कर रहे। इसलिए आत्मा नित्य है। क्या हमारी आत्मा बंधी हुई है क्या? ये सब मान लें या देख भी सकते हैं, बिल्कुल बंधी हुई है। मुझ में रहकर मुझसे पर्दा, पंचाल साहब की आत्मा कहाँ गई है? कहीं गुजरात तो नहीं चली गई है, कहीं और जगह तो नहीं रह रही है? नहीं, यही तो है, तो फिर क्यों नहीं नजर आ रही है? हम सब सिद्धांत रूप से एक चीज को स्वीकार करते हैं कि हमारी आत्मा शरीर का संचालन कर रही है। कितना बड़ा अफसोस है कि पूरा जीवन जीने के बाद भी हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारी आत्मा शरीर का संचालन कैसा कर रही है। खाक खोज रहे हैं कि आदमी, एक चीज़ नहीं खोज पा रहा है, हमारी आत्मा कहाँ पर रह रही है? पूरे ब्रह्मांड को इसने छान लिया, खोज लिया, पर आत्मा शरीर में कैसे है, कैसे संचालित कर रही है, ये नहीं मान रहे हैं, ये नहीं जान पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी धर्म एक सिद्धांत से एक बात तो मान रहे हैं ना कि शरीर के खत्म होने के बाद बाकी कुछ रह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं वैज्ञानिक नहीं मानते, कैसे नहीं, अंग्रेज ब्रिटेन यूएसए वाले नहीं मान रहे, वो भी तो कह रहे हैं इवन एंड हेल, मरने के बाद कुछ तो निकला, कुछ तो बाकी है ना, जो बाकी है उसको वो जान ही नहीं पा रहे। अजी दूर न जाएं आप, इस शरीर में 6 शरीर हैं, 4 अवस्थाएं। आप हम सब नींद में चले जाते हैं, इस शरीर से निकलते हैं, हम स्वप्न में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश लेते हैं। आदमी के पास बहुत अजूबे हैं। साहब ने एक शब्द में कहा, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहरी। वाह, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहरी। कोई भी आदमी इस काया को नहीं समझ पा रहा है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अभी वैज्ञानिकों ने लिखा कि इंसान जैसा रोबोट और कंप्यूटर कभी कोई नहीं बना सकता। हम चाहे इसमें कितनी भी मेमोरियाँ फीड कर दें, कितने भी गुण दे दें, लेकिन आदमी क्या टक्कर नहीं है। ये जो मालिक ने ये कंप्यूटर जो बनाया, बड़ा लाजवाब है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। पता है क्या वो कह रहा था, आदमी एक आंख से हज़ारों अपने थॉट रख लेता है। कंप्यूटर तो आजकल यूं भी कह रहे हैं, उनको बोलो तमाचा मार के, और रोबोट तमाचा भी मार के आएगा, उसको आदेश दो कूटो, उसे कूटता भी रहेगा, वो साउंड के अनुसार वो भी चल रहे हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है।
आदमी ने मंगल पर भी तो रोबोट भेजा था ना, ये तो एक गलती के कारण 36 बैटरियां उसमें थी संचालित करने के लिए, ऐसे कोण पर किया कि वहाँ रिचार्ज नहीं हो पाई बैटरियां, औंधे मुँह गिर गया वो, जब औंधे मुँह ऐसे गिर गया वो दब गई पूरी उसकी बैटरियां, चार्जिंग ही नहीं हो पाई, इसलिए वो प्लान ही फेल हो गया, यहाँ से मैसेज ही नहीं ले रहा था। आदमी अपनी एक आंख में हजारों बातें बोल देता है, कंप्यूटर बोल पाएगा? तो बंधुओं, ये आदमी का जिस्म साधारण नहीं है। साहब ने इसकी महत्ता बोली, अबधु अंध धुंध अंधियारा इस घट भीतर, एक शब्द में बोल रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काव नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। वाह गजब है। मात्रे जी खड़े हो जाएं, आप क्यों खड़े हो गए? कहेंगे आपने बोला, देखा कितना फास्ट एक्शन हुआ, ये मोबाइल खोलते हैं और क्या आता है स्क्रीन पर, येट नॉट रेडी फॉर एक्शन, वो भी तैयार नहीं। मेरा कहना कि मात्रे जी खड़े हो जाए, एक मिनट में खड़े हो गए, क्यों खड़े हुए आप, क्यों खड़े हुए? हमने कहा खड़े हो जाओ, मेरे शब्द निकले ब्रेन में गए, और इतने में इंक्वायरी भी हुई, ब्रेन ने चित से पूछा क्या आवाज़ मिली, चित ने कहा खड़े हो जाना है, खड़े होने का मतलब टांगों पर खड़े होना कैसे आपको पता चला, आप लेट क्यों नहीं गए, मैंने खड़ा होना बोला, आपको ये पता है खड़े होने का मतलब पैरों पर खड़े हो जाना है, ये पूरा काम कितनी जल्दी हुआ मेरा बोलना और वो खड़े हो गए, कोई कंप्यूटर इतना जल्दी करेगा काम, मैं जो बातें बोलता जा रहा हूँ इतनी जल्दी आप समझते जा रहे हैं? इसका एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, मेरे शब्द पहले आपके कान तक जा रहे हैं, कान तक जाने के बाद में वो उनकी टोन और तरंगे मस्तिष्क के पास जा रही है, वो फिर चित्त से पूछ रहा है, मेमोरी से, मेमोरी बताती जा रही है ये बात है, ये सब काम विद इन माइक्रो सेकंड हो रहे हैं, ये पूरे काम विद इन माइक्रो सेकंड हुए। इंसान कल्पनाशील भी है, आदमी साधारण नहीं है। इस घट भीतर नौलक तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस घट भीतर हीरे मोती, इसी में परखनहारा। आप सोचते हैं आपके अंदर विचार ऐसे ही उत्पन्न हो रहे, नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मुझसे एक आदमी बोल रहा था कि देखिए जो ये कह रहे हैं कि धर्मराज जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, इंसान जो जो भी काम कर रहा है सब लिखे जा रहे हैं, उसने कहा, एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, आपकी बात ये कैसे माने हम, लिखा जा रहा है? अरे भाई, मैंने कहा शास्त्र भी बोल रहे, बोला लिख दिया किसी ने, एक एक आदमी का पूरा क्रिया कर्म लिखने के लिए चार आदमी पीछे संतरी लगा दो तभी भी नहीं लिख पाएंगे। धर्मराय के पास कितनी इम्प्लाइज हैं कि एक एक आदमी का पूरा पूरा सिस्टम लिख रहा है, पूरा पूरा सब काम कर रहा है, मुझे दुनिया में कुछ भी नया नहीं लग रहा है। सुनिए, मैंने कहा सुनो भाई, और इतने कागज़ कहाँ से ला रहे हैं वो लिख रहे हैं, इतनी इंक कहाँ से मिल रही है, इतने पेन बॉल कौन सी फैक्ट्री से बन रहे हैं? मैं बोला आज मैं आपको फैक्ट्री भी दिखाऊंगा, कागज़ कहाँ से बनते वो भी दिखाऊंगा, पूरा सिस्टम दिखा दूंगा ना, अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, पूरी फैक्ट्रियाँ दिखा दूंगा वो जहाँ से कागज़ बन रहे हैं, पूरी फैक्ट्री दिखा दूंगा जहाँ से पेन बन रही है, पूरी फैक्ट्री दिखा दूंगा, पूरी इम्प्लाई दिखा दूंगा ना। सुनो, तुमने जीवन भर जो जो काम किए तुम्हें याद है? बोला हाँ। किस दिशा में बैठकर क्या गलत काम किया सब याद है? चोरी की ये भी याद होगा? बोला हाँ। कुछ गलत काम किए किस पॉइंट पर किए किस दिशा में याद है? बोला हाँ। जो भी जीवन की पूरी घटना तुम्हें याद है? बोला हाँ। कौन से खाते और कौन से अभिलेख कौन से रिकॉर्ड ऑफिस में, यह इसी शरीर में ना, एक नॉर्मल एक मेमोरी का चिप आपके अंदर है, उसमें आपको ये बातें याद है? मेरा ड्राइवर गाने सुनने का शौकीन है, लेकिन उसको वो थोड़ा डरता भी है कि भजन लगाएं गाना। एक दिन वो गाना सुन रहा था, मैं अचानक आ गया तो मैं कहा ये कहाँ से लाए, निकालो ये कैसेट। उसने एक छोटी सी चिप निकाल ली। मैं बोला अच्छा ये कहाँ से लाए हो, इसमें कितने गाने हैं? बोला इसमें गुरुजी 500 सॉन्ग हैं, इतनी सी चिप में 500 सॉन्ग थे। अभी मुझे किसी ने कहा गुरुजी एक एक लॉक सॉन्ग है इतनी सी चिप में, आपके रोम रोम में रहस्य भरे पड़े हैं। ठीक है, संगी।